कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पार्टी को मजबूत बनाने और संगठन को विस्तार करने के लिए लगातार बिहार दौरे पर है। पिछले दिनों वह सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए मुंगेर पहुंचे थे, लेकिन वहां सदस्य बनने के लिए कोई नहीं पहुंचा था। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने फजीहत को देखते हुए बैंड बजाने के लिए आए बैंड वालों को ही सदस्यता दिलाकर खाना पूर्ति कर दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने सदस्यता अभियान को सफल होने का दावा भी कर दिया। मुंगेर के इस कार्यक्रम में बैंड बाजा वाले लोगों को सदस्य बनाने के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज खड़े दिखाई दे रहे थे। भक्त चरण दास के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की मौजूदगी में कांग्रेस की ये फजीहत चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस के नाराज नेताओं की माने तो भक्त चरण दास को खुश करने के लिए सभी बैंड बजाने वालों के नाम के पीछे दास लगा दिया गया। कांग्रेस की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद विपक्ष का हमला होना शुरू हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का बैंड बजाया गया है और अब कांग्रेस ही बैंड बजाने वालों के सहारे खड़ी होती हुई दिख रही है। आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की हार का जिम्मेदार भी कांग्रेस को ही ठहराया गया था और कांग्रेस के सर पर ही इसका ठीकरा फोड़ा गया था। अब अगली लड़ाई के लिए कांग्रेस के नेता तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और जब से ये फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। विभास दास जी, सालदेव दास जी, सालदेव दास जी, साल विष्णु दास जी, विभास दास जी, विष्णु दास जी, विष्णु दास जी, विष्णु दास जी, विभास दास जी, नागेश्वर दास जी, श्यामदेव दास जी, श्यामदेव दास जी, अर्जुन दास जी, अधिक दास जी, सरयुग दास जी, सरयुग दास जी, छोटू दास जी, अभी जिनका कांग्रेस में जिन्हें शामिल किया गया है, सभी हमारे नए सदस्यों का अभिनंदन, स्वागत, और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप पार्टी की मजबूती के लिए संघर्ष करेंगे और माननीय भक्ति चरण दास जी